तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा बात आज की स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉकिंग जरूर से थी, क्योंकि आखिरी में आया था फिंड ब्रे वायट और उन्होंने कर दिया अटैक एलेक्सा ब्लिस के ऊपर। अब एलेक्सा ब्लिस पर उन्होंने अटैक क्यों किया इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में तो करूंगा बात, लेकिन साथ ही साथ में आज का पूरा स्मैकडाउन का शो हम लोग करने वाले कवर, जहां पर बिगी का फाइनली काफ़ी दिनों बाद हुआ एक सिंगल्स मैच, स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ, तो उसमें कौन जीता, क्या निकी क्रॉस न्यू चैंपियन बन पाई या फिर नहीं, लेसी एवंस और नयोमी के बीच होता है एक सिंगल्स मैच, जेफ हार्डी का होता है एक सेगमेंट, इसके अलावा और भी काफी बड़ी चीजें होती है, क्योंकि आज बैक स्टेज के ऊपर मैंडी रोज के सभी बाल कट गए जब आगे सोनिया डेविल बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर, एजी स्टाइल्स एंड ग्रैंड मेटेली के बीच इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी हुआ। तो काफी सारी चीजें आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर भी डिटेल में सारी चीजों को जरूर से करूंगा कवर। तो अगर आपने स्मैकडाउन का शो मिस कर दिया तो बस आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस आपको बता दूं जो शो की शुरुआत है वो होती है इस बार द फीड या फिर कह दूं ब्रे वायट के फायरफ्लाई फन हाउस के सेगमेंट के साथ। जब वो आते हैं वो कहते हैं कि आज मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं इधर उधर जाकर ढूंढ रहा था यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन को। वो कहते हैं स्वैम फाइट के बाद पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमन कहां गायब हो गया, बस मैं ये सोचूंगा कि इससे पहले उसे मगरमच्छ पकड़ ले उसे उस पानी से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन फिर वो बात करते हैं मैं एक्चुअली में ब्रॉन स्ट्रोमन को इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता फिर से रिंग के अंदर आके रेसल करे, बल्कि उसके पास मेरी एक थिंग है और वो थिंग है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और द फिंड तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उसके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं आ जाती। फिर अचानक से स्क्रीन फ्लैश होती है, फिंड ब्रे वायट इन दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप दिखाया जाता है और आखिरी में लेट मी इन करके वो वेव गुड बाय करते हैं और ये वाला सेगमेंट यहीं पर खत्म होता हुआ नजर आता है। फिर जो शो का पहला मैच होता है वो होता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच ग्रैंड मेथली वर्सेस एजी स्टाइल्स के बीच, और ये जो मैच है बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई मेटेलिक किंग ऑफ रोप्स एजी स्टाइल्स द फेनोमिनल मैच जरूर से कमाल का जाना था, लेकिन मैच की एंडिंग में जो एज स्टाइल्स हैं वो हमें कैल्फ प्रेशर लगाते हुए नजर आते हैं इस बार ग्रैंड मेथली को, और उसके बाद इस वाले मैच के अंदर एज स्टाइल्स अपनी चैंपियनशिप को भी हमें रिटेन करते हुए आते हैं नजर। फिर रिंग के अंदर लिंसे डोरांडो आते हैं जो कि टैग टीम पार्टनर हैं ग्रैंड मेथली के, एज स्टाइल्स उनको भी अटैक करते हैं और उसके बाद उन पर भी हमें एक स्टाइल क्लैश लगाते हुए नजर आते हैं। फिर इसके बाद हमें जेफ हार्डी का सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर जेफ हार्डी कहते हैं काफी दिनों से मुझे बहुत ही ज्यादा कह सकता हूं टफ टाइम का फेस करना पड़ रहा है, जब मैंने शेमत जैसे तगड़े सुपरस्टार का फेस किया और उसे हराया भी। फिर बात करते हैं किस तरीके से उनका करिश्मेटिक एंजमिन वाला गेमिंग था भी फिलहाल वो रिकवरी के अंदर है। फिर यहाँ पे जो जेफ हार्डी है वो कहते हैं कि जब मैंने शेमस को हराया था बार फाइट के अंदर ये चीज मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी भी सही रास्ते ऊपर चढ़ रहा हूँ, मैं एक लविंग फादर हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ और मैं एक WWE सुपरस्टार भी हूँ। लेकिन वो यहाँ से किंग कॉर्बन आते हुए नजर आते हैं, किंग कॉर्बन मजाक उड़ाते जेफ हार्डी को, वो कहते हैं यहाँ पर जो करिश्मेटिक एंजमिन जो कि अपने आप को कहता है वो रो क्यों रहा है, वो रोना धोना यहाँ पर कर रहा है तो उसे यहाँ से रिंग से चले जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो किंग कॉर्बन है वो बात करते किस तरीके से मैट रिडल से तो दिक्कत है ये, लेकिन आज उनका मैच ड्रू गुलाक के खिलाफ होगा तो उनसे भी उन्हें काफी बड़ी दिक्कत है। लेकिन अचानक से ड्रू गुलाक आता है और किंग कॉर्बन पर अटैक कर देते हैं जब वो स्टेज के ऊपर ही खड़े होते हैं। फिर मैच शुरू हो जाता है जहां पर किंग कॉर्बन हमें फेस करते हुए नजर आते हैं ड्रू गुलाक का, एंड इस वाले मैच की जो एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है जब जो किंग कॉर्बन है वो हमें आखिरी में हराते हुए नजर आते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, एंड ऑफ द डेज देने के बाद किंग कॉर्बन इस वाले मैच के अंदर जीत जाते हैं, तुरंत जो मैट रिडल है वो अटैक करते हुए नजर आते हैं किंग कॉर्बन के ऊपर। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट जी है वो आते हैं भागते हैं और यहाँ पर वो बचाते हुए हमें नजर आते हैं किंग कॉर्बन को। जी हाँ आप सही सुने, जो शॉर्टी जी हैं वो हमें किंग कॉर्बन के साथ खड़े होते नजर आते हैं, एंड भाई किंग कॉर्बन चौड़ में आ जाते हैं कि भाई मेरे भी एक चेला है स्मैकडाउन के शो के अंदर जिसका नाम है शॉर्टी जी, और ये वाला जो मैच है बस हमें यहीं पर खत्म होता हुआ नजर आता है। उसके बाद बिगी का हमें काफी दिनों बाद एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है जहां पर बिगी वर्सेज द मिस के बीच ये वाला सिंगल्स मैच होता है, और ये जो मैच था बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है। बिगी एंड मिस दोनों की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन मैच की एंडिंग में हमें क्या दिखाई देता है जो द बिगी है वो हमें अपना कह सकता हूँ सबमिशन मूव लगाते हुए नजर आते हैं जो कि स्ट्रेच मफलर है, और उसके बाद जो बिगी है इस वाले मैच के अंदर जीत हासिल कर लेते हैं और जो मेज है हमें टैप आउट करते हुए आते हैं नजर। उसके बाद मैं बात कर लूँ अगले मैच के बारे में, तो गाइस जो अगला मैच है वो हमें दिखाई देता है लेसी एवंस वर्सेस नयोमी के बीच, और इस वाले मैच के अंदर मैं कह सकता हूँ जो लेसी एवंस है उनकी तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस जरूर से आती है, लेकिन मैच की एंडिंग में बैक और फोर्थ एक्शन होता है और आखिरी में जो नयोमी है वो हमें एक बैक स्लाइड देने के बाद थ्री काउंट करते हुए नजर आती है, और लेसी एवंस जो है बहुत ही ज्यादा
शौक रहती हैं और वो जाती कॉमेंटेटर के ऊपर और हाथ उठ पटकने लग जाती हैं। फिर इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देते हैं जहाँ पर मैंडी रोज एंड ओटिस जाते होते हैं, और जब ये दोनों आगे से जाते होते हैं पीछे क्या देखते हैं, सोनिया डेविल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ी हैं। फिर हम दूसरे मेकअप वाले रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर जो मैंडी रोज अपना मेकअप वगैरह करती हैं, बाल वगैरह संवारती हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं और ये वही ड्रामेबाजी करती हैं। लेकिन अचानक से वहाँ से सोनिया डेविल आ जाती हैं और सोनिया डेविल बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करती हुई नजर आती है मैंडी रोज के ऊपर और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं। वो कहती हैं भाई तुमने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी, इधर मारती हैं उधर मारती हैं हर जगह मारती हैं मैंडी रोज को। लेकिन फिर वो कैंची उठाती हैं और कैंची से बाल काटने लग जाती हैं मैंडी रोज के, बहुत थोड़े से बाल कटते हैं। फिर यहाँ पर जो सोनिया डेविल है वो कहती हैं कि आज मैं तुम्हारा नया रूप पूरी दुनिया को दिखा के रहूँगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें गंजा देखने के लिए। फिर वहाँ से जो ट्रिमर है वो उठाकर लाते हैं ताकि वो पूरी तरीके से बाल भाई एकदम साफ ही कर दें, और जस्ट जैसे ही वो लगाने वाली होती ट्रिमर तुरंत वहाँ से रेफरीज वगैरह आ जाते हैं, WWE के प्रोड्यूसर एडम प्रीच आ जाते हैं, वो यहाँ पर रोक देते हैं दोनों को कि नहीं भाई तुम्हें ऐसे बाल काटने की परमिशन नहीं है। और यहाँ पर जो मैंडी रोज का बहुत ही बुरा हाल होता है, उनके मुँह पर लिपस्टिक वगैरह पूरी पोत देती हैं, मैं यहाँ पर जो सोनिया डेविल है उनके बाल वगैरह कटे पड़ते हैं, जो बाल कटे वाले होते हैं जो सोनिया डेविल है यहाँ से उठा के चली जाती हैं। और इस वाले सेगमेंट के अंदर जो मिस्ट्री हैकर का ग्लिचेस थे वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो यहाँ से काफ़ी बड़ा सिग्नल है मेरे हिसाब से कि जो कह सकते हो मिस्ट्री हैकर वो अभी भी स्मैकडाउन के शो के अंदर अलाइव है। बस ये देखने में बाकी है कि कब तक वो हमें फिर से बाहर आता हुआ नजर आता है। लेकिन ये जो सेगमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, इसके एंडिंग के अंदर हमें जो ओटिस एंड टकर है दोनों आते हुए नज़र आते हैं जब वो मैंडी रोज को देखते हुए नज़र आते हैं। फिर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होता है जो कि था आज का मेन इवेंट निकी क्रॉस वर्सेस बेली के बीच, जो कि मैच एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का मैच था। मुझे लगा था कि शायद आज हो सकता है निकी क्रॉस हमें चैंपियन बनती हुई नजर आए ताकि WWE किसी न किसी तरह साशा बैंक्स एंड बेली के बीच दरार डाल दे। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर हमें क्लीन विन दिखाई देती है बेली की तरफ से जब लगातार रोलअप्स वगैरह होते हैं, लेकिन एक रोलअप के अंदर आखिरी में हमें जो बेली है वो एक अटैक करती हुई नजर आती है, एक एल्बो टाइप मारती हुई नजर आती है इस बार निकी क्रॉस के फेस के ऊपर। फिर आखिरी में पिन होता है और निकी क्रॉस इस वाले मैच के अंदर हार जाती है और जो हमें कह सकता हूँ बेली है वो जीती हुई नजर आती है और वो अपनी चैंपियनशिप को भी कर लेती है रिटेन। अलेक्सा ब्लिस रिंग साइड पर खड़ी होती है, मैच खत्म होने के बाद वो यहाँ पर चेक करने आती है कह सकता हूँ निकी क्रॉस को, लेकिन जो निकी क्रॉस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जस्ट धक्का देके चली जाती हैं अलेक्सा ब्लिस को। अलेक्सा ब्लिस रिंग के बीचों बीच बैठ के सोचती हैं, फिर अचानक से लाइट झिलमिल होती है, रेड लाइट आती है और द फीड, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, द फीड हमें रिंग के बीचों बीच दिखाई देते हैं। अलेक्सा ब्लिस बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, जो क्राउड है वो भू करने लग जाता है, लेकिन जो द फीड है फिर वो धीरे धीरे करके अलेक्सा ब्लिस के आगे आते हैं, वो उनके सामने बैठ जाते हैं। वो यहाँ पर शायद कहते उन्हें कुछ, मेरे हिसाब से उन्हें यही कहते होंगे कि भाई तुम्हें सिस्टर एब्लिगेल बनना है। यहाँ पर जो अलेक्सा ब्लिस है अपने नाक की तरफ मुंडी घुमाती हैं, यानी कि ऐसे करते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकती। फिर जो द फीड अपना हाथ दिखाते हैं और ऐसे दिखाते हैं एक्ट करते हैं कि उनके मुंह के अंदर ये हाथ डाल देंगे अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अलेक्सा ब्लिस बात नहीं मानते और आखिरी में द फीड अपना मैंडेबल क्लॉ लगा देते हैं अलेक्सा ब्लिस के ऊपर और ये वाला जो सेगमेंट है यहीं खत्म होता हुआ नजर आता है, जब द फीड ने कर दिया अटैक अलेक्सा ब्लिस के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ा साइन है कि आने वाले टाइम में जो अलेक्सा ब्लिस है आप सभी को द फीड को ज्वाइन करते हुए नजर आने वाली हैं, जो अलेक्सा ब्लिस हैं वही आप सभी को सिस्टर एब्लिगेल बनती हुई नजर आएंगी। ओवरऑल जो स्मैकडाउन का शो था वे काफ़ी अच्छा शो था, शो की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, शो की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, शो का पहला मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिगी को फाइनली सिंगल्स मैच मिला, लेसी एवेंस एंड नयोमी के बीच भी मैच हुआ। ओवरऑल जो आज का स्मैकडाउन का शो था ये काफ़ी बेहतरीन शो था एंड 5 स्टार में से ऑफकोर्स 3.5 स्टार रेटिंग देना जरूर पसंद करूंगा। आखिरी जो सेगमेंट था इसको तो भाई 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। बाकी गाइस कैसा लगा आपको स्मैकडाउन का शो आज के नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बता देना। बाकी गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।